नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, रेलवे बोर्ड की एक कमेटी होती है जिसे अंतर रेलवे समय सारणी कॉन्फ्रेंस कहा जाता है और सामान्य भाषा में लोग इसे टाइम टेबल कमेटी के नाम से जानते हैं। किसी भी ट्रेन को चलाने से पहले जो उसका प्रपोजल है वो इस कमेटी के पास जाता है और यही कमेटी यदि अगर कोई नई ट्रेन चलना है तो किस किस जोन या मंडल से जाती है तो ये वहाँ का क्लियरेंस लेके ये उसके संचालन का अप्रूवल देती है। और पिछले दिनों जो इसकी कॉन्फ्रेंस है वो उड़ीसा के पुरी में संपन्न हुई और ये इसमें दो ट्रेनें जो हैं वो इंदौर के लिए नई जो प्रपोज हुई थी तो उनको मंजूरी मिली है। पहली ट्रेन है दोस्तों इंदौर से जयपुर वाया रतलाम, चित्तौड़गढ़ और अजमेर होते हुए, और यह ट्रेन काफ़ी बहुप्रतीक्षित ट्रेन है और क्योंकि अजमेर जो एक हमारी लिंक एक्सप्रेस चलती थी जो कि ये अपने जिसके जो कोचेज हैं 6 या 7 कोचेज वो अपने वहाँ पे उज्जैन में भोपाल अजमेर ट्रेन से जुड़ते थे, भोपाल अजमेर जयपुर ट्रेन से, लेकिन बाद में रेलवे ने लॉकडाउन के पहले इस लिंक एक्सप्रेस को ख़त्म कर दिया। तभी से इंतज़ार था कि एक इंदौर को ये अपने वहाँ के लिए अजमेर के लिए शाम के समय, क्योंकि सुबह तो ट्रेनें हैं काफ़ी लेकिन शाम के समय भी इंदौर से अजमेर के लिए एक कम से कम डेली ट्रेन मिले। हालांकि ये जो टाइम टेबल कमेटी ने जो अप्रूव की है ट्रेन, ये सप्ताह में 3 दिन ही है, मेरे को लगता है ये सोमवार और बुधवार या शुक्रवार के आसपास ये 3 दिन इंदौर से चलेगी और बाकी 3 दिन वहाँ से अपने जयपुर से चला करेगी। दूसरी जो ट्रेन है दोस्तों, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो है इंदौर से नई दिल्ली वाया रतलाम कोटा होते हुए, और ये भी सप्ताह में 3 दिन अप्रूव की है और जो इसका टाइम टेबल है वो स्वाभाविक रूप से जो अभी बीच में महू से लेकर नई दिल्ली के बीच में जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी ये बिल्कुल सेम टाइम टेबल पर चलेगी। और यह भी पूरा मतलब तय ही है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो इस रूट पे चलाने का प्रपोजल है, तो ये भी सप्ताह में 3 दिन रहेगी। इंदौर से संबद्ध एक और ट्रेन को लेके जब टाइम टेबल कमेटी ने फैसला लिया है, जो अजमेर रामेश्वरम जो वीकली ट्रेन चलती है जो कि इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर आती है, तो ये ट्रेन को अब विस्तारित करके इसको फिरोजपुर तक ले मतलब से चलाया जाएगा। फिलहाल ये ट्रेन अजमेर से चल रही है लेकिन अभी से फिरोजपुर से रामेश्वरम के लिए चलाया जाएगा। और यह निर्णय रेलवे को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि अजमेर से जितना ट्रैफिक एक्सपेक्टेड था उतना ट्रैफिक शायद मिल नहीं रहा था, तो इसको और एक्सटेंड कर दिया ताकि पंजाब से ये राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश और फिर साउथ के लिए जो जाने वाले जो यात्री हैं रामेश्वरम की तरफ, तो उनके लिए भी ये उपयोगी ये हो सके ट्रेन। तो ये निश्चित रूप से दोस्तों तो इसका फ़ायदा इंदौर को भी मिलेगा और जो भी मालवा के ये मध्य प्रदेश के जिन क्षेत्रों से होकर ये ट्रेन गुजरती है तो सभी क्षेत्र के लोगों को ये फ़ायदा होगा। टाइम टेबल कमेटी की मंजूरी के बाद दोस्तों अब ये जो ट्रेन अप्रूवल की जो सबसे पहले रेक की व्यवस्था करना होगी, इसको कब से चलना है इसके लिए रेल मंत्री का अप्रूवल लेना होगा, और तब ये जो दो नई ट्रेनें हैं और जो एक जिसका एक्सटेंशन होना है जो कि मालवा से रिलेटेड है तो इस पर अब फैसला होगा। तो ये उम्मीद करना चाहिए कि जल्द से जल्द ये जो सुविधाएं हैं दोनों ट्रेनों की ये इंदौर को मिलें, और ताकि जो लोग जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं इंदौर से अजमेर होते हुए जयपुर और एक इंदौर से नई दिल्ली के बीच में नई ट्रेन चलने का, तो ये इंतज़ार जो है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, यदि आपको पसंद आई होगी तो इसे ज़रूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपको एक तथ्य बताने से रह गया था कि ये जो इंदौर अजमेर जयपुर जो 3 साप्ताहिक ट्रेन है और जो इंदौर नई दिल्ली जो ये 3 साप्ताहिक ट्रेन है, तो इन दोनों ट्रेनों को 2019 में भी रेलवे बोर्ड की टाइम टेबल कमेटी ने अप्रूवल दिया था लेकिन बाद में ट्रेनें चल नहीं पाई, फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया और फिर बाद में नई ट्रेनों का संचालन जो कि ये फिर एक पूरा ही मामला जो है वो लटक गया, उलझ गया। तो दोस्तों आपकी बार उम्मीद करना चाहिए कि तीसरी बार ये है जो दोनों ट्रेनों का जो प्रपोजल है वो अब वापस नहीं भेजना पड़े और ये 2022 में ही ये दोनों सुविधाएँ जो हैं वो इंदौर और मालवा के यात्रियों को मिल जाएँ।